जय श्री राम। अभी अभी एक खबर उड़कर आई, किराड़पुरा में जो आपका और मेरा श्रद्धेय स्थल है राम मंदिर, उसमें कुछ घटना हुई है। मैंने तुरंत से मेरे पुराने जानने पहचानने वाले मेरे दोस्त वाजिद जागीरदार, जो मंदिर के बाजू में रहते हैं, उनको संपर्क किया। उन्होंने कहा मैं मंदिर के पास ही खड़ा हूं। तुरंत से वो मंदिर के अंदर गए और मैंने वीडियो कॉल द्वारा पूरा मंदिर देखा है, दर्शन किए हैं ऑनलाइन। और बड़े जिम्मेदारी से मैं आपको बता देना चाहता हूं, मंदिर के अंदर कोई भी अप्रिय घटना घड़ी नहीं है। इतना ही नहीं, एक दलवी नाम के राम भक्त है जो मंदिर के अंदर सजावट का काम कर रहे थे, उनसे भी मैंने बात की। उनको मैंने पूछा मंदिर में कुछ हो रहा है क्या, आपको कोई तकलीफ है क्या। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मंदिर के अंदर हम सब सुरक्षित है, मंदिर की हम सजावट कर रहे हैं, रामनवमी के उत्सव की हम जोरदार तैयारी कर रहे हैं। किराड़पुरे में कुछ घटना जरूर हुई है, पर वो किराड़पुरे में हुई है, मंदिर के पास या मंदिर के अंदर नहीं हुई है। और किराड़पुरे में जो घटना हुई है वो हिंदू मुस्लिम की नहीं है। किराड़पुरे में दो समूह का झगड़ा है, राम जाने उनका क्या झगड़ा है, वो उनका बाहर झगड़ा करे। इस दौरान प्रभु राम की लीला देखिए, छत्रपति संभाजी नगर के खासदार इम्तियाज जलील वो दो समूह के झगड़े में उपस्थित थे और वो झगड़ा निपटाते निपटाते कुछ ऊंच नीच हो गई होगी, इसीलिए थोड़ा बाजू बैठने के हिसाब से उनको भी मंदिर में ही बैठना पड़ा। ये हमारे प्रभु राम की लीला है, मंदिर सभी का है। इस रामनवमी के अवसर पर मैं आप सबसे विनती करता हूं, कृपया सच्चाई समझ ले, किसी भी अफवाह पर विश्वास ना रखे। ये बड़ा पवित्र दिन है, ये बड़ा त्यौहार है, इस त्यौहार को हमको और आपको धूमधड़ाके से मनाना है। आप सभी को रामनवमी की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, आपसे विनती करता हूं हम सब मिलके इस त्यौहार को बड़ी ऊर्जा के साथ मनाएंगे। धन्यवाद। जय शिवराय।